नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुनः से नए ग्रह के राशि परिवर्तन के संबंध में फिर चर्चा लेके आया हूँ, जिसमें ग्रहों के राजा पिता के कारक ग्रह, जिनकी वजह से पूरा जगत प्रकाशमान है, वह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो 15 जनवरी 2021 को पृथ्वी तत्व की राशि, जो उनकी शत्रु राशि है मकर राशि, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, जो 13 फरवरी 2021 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। जिन जातकों को सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, वह जातक इस बीच में नकारात्मक परिणामों से प्रभावी रहेंगे, क्योंकि इस बीच में मकर राशि में गुरु और शनि की भी उपस्थिति रहेगी। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, और मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए जो परिणाम इस गोचर से प्राप्त होंगे, उसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले, अगर कोई दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए यह गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। दशम भाव नौकरी व्यवसाय का भाव, पिता का भाव। अगर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन चाह रहे हैं, यह समय आपके लिए बहुत उत्तम है। नौकरी में पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं, व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, पिता से इस बीच में लाभ की प्राप्ति होगी। और यहां पर सूर्य जब गोचर करेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि मातृ भाव पर डालेंगे, तो माता के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप मकान या वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ समय आपको इंतजार करना होगा, यह समय उचित नहीं रहेगा। और हार्ट और बीपी से संबंधित पेशेंटों के लिए यह समय कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए जो गोचर है वह नवम भाव, भाग्य भाव में होने जा रहा है। तो भाग्य का जबरदस्त साथ देखने को मिलेगा, और यहां पर बैठे हुए सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में डाल रहे हैं, जिससे पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और जो यह परिवर्तन होने जा रहा है वह आपकी राशि के लिए शुभ है। इस बीच में आपका धार्मिक कार्यों की ओर खिंचाव बढ़ेगा, भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, रुके हुए कार्यों की भी बनने की संभावना, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन इस बीच में आपको वाद विवाद से बचना है। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। छोटे भाई बहनों के लिए चिंता की स्थिति, और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। शिक्षा से संबंधित जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस गोचर के समय शेयर मार्केट से कोई भी रिस्क ना लें। धन संबंधी भी कुछ परेशानी इस बीच में आपको देखने को मिलेगी। सूर्य के इस गोचर के समय कोई भी महत्वपूर्ण फैसला इस बीच में ना लें, और हार्ट और बीपी से संबंधित लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में गोचर अगर सूर्य करेंगे, तो दाम्पत्य से संबंधित कुछ परेशानियां यहां पर गोचर करते हुए सूर्य आपको दे सकते हैं। और जो व्यक्ति व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, इस समय जो भी फैसला ले, सोच समझ के ले, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह गोचर षष्ठम भाव, छठे भाव में होने जा रहा है। खर्च की अधिकता इस बीच में बहुत ज्यादा रहेगी, और अगर कर्ज में फंसे हुए हैं या कोर्ट केस से संबंधित कोई केस चल रहा है, तो उससे इस बीच में मुक्ति मिल सकती है। इस गोचर की वजह से अगर कोई रोग से आप परेशान हैं या शत्रुओं से परेशान हैं, इस बीच में रोग और शत्रुओं का दमन होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन से संबंधित तैयारी कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत उत्तम है। कन्या राशि।
कन्या राशि के लिए यह गोचर पंचम भाव, शिक्षा भाव, पुत्र भाव में होने जा रहा है। संतान के ऊपर खर्च के योग बन रहे हैं। इस बीच में अगर कोई आपकी डील रुकी हुई थी तो वह पूरी होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी अच्छा व्यतीत होगा और इस बीच में आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत जबरदस्त रहेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें और इस बीच में आप कोई भी अगर फैसला लें, दिमाग से लें, दिल से नहीं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों का सहयोग की प्राप्ति इस बीच में आपको होगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए यह गोचर चतुर्थ भाव, सुख भाव, मातृ भाव में होने जा रहा है। माता का सहयोग इस बीच में आपको प्राप्त होगा। घर में किसी व्यक्ति के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। हार्ट और बीपी से संबंधित लोग इस बीच में सचेत रहें। इस बीच में आपके द्वारा किया गया भूमि का क्रय या विक्रय सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा। सप्तम दृष्टि सूर्य की जो इस भाव में गोचर करते हुए पड़ रही है, नौकरी भाव, व्यवसाय भाव में पड़ रही है, तो मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि देखने को इस बीच में मिलेगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और इस बीच में कार्य का भार भी आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन आप इसे करने में सक्षम हैं। पिता का सहयोग और कार्य क्षेत्र में तरक्की के भी आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यह जो गोचर हो रहा है तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर होने जा रहा है। इस बीच में अगर आप मेहनत करेंगे तो लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी और कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी भी प्राप्त हो सकती है। यहां पर बैठे हुए सूर्य भाग्य भाव पर दृष्टि डालें तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। ऐसा कार्य जो रुका हुआ था वह पूरा होगा और आप मेहनत करें, फल जरूर प्राप्त होगा। बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि के लिए यह द्वितीय भाव, धन भाव में, वाणी भाव में होने जा रहा है यह गोचर सूर्य का, तो आप वाणी पर जरूर कंट्रोल रखिए इस बीच में। और यहां पर गोचर करते हुए सूर्य हो सकता है कि परिवार के साथ आपका मनमुटाव की स्थिति भी बना सकते हैं, वह आपकी वाणी की वजह से। इस बीच में आप में उग्रता भी देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य बनते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को आंखों से संबंधित समस्याएं हैं वह लोग सचेत रहें। अगर कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा था, इस बीच में उसका निपटारा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत उत्तम है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए यह गोचर उन्हीं की राशि में होने जा रहा है, प्रथम भाव पर। आप इस बीच में क्रोध पर नियंत्रण रखें, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला न लें। मान सम्मान में वृद्धि इस बीच में देखने को मिलेगी। बीपी से संबंधित लोगों को थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है और इस बीच में कुछ संघर्ष भी बढ़ेगा आपका। सूर्य यहां पर गोचर करते हुए सप्तम भाव, दाम्पत्य भाव में दृष्टि डालेंगे, जो दाम्पत्य भाव में भी कुछ परेशानियां पैदा करेगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरों के बीच टकराव की स्थिति भी बन सकती है और धन और बिजनेस डील के लिए यह समय उत्तम रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए यह जो गोचर होने जा रहा है वो द्वादश भाव, व्यय भाव पर होने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में धन का खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इस बीच में अनावश्यक धन का खर्च भी देखने को मिलेगा। आंखों से संबंधित परेशानी, हार्ट बीपी से संबंधित परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं और यह गोचर यह भी स्थिति आपकी बना सकता है कि उधार लेने की स्थिति भी बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ परेशानियां यह गोचर लेके आएगा, रुका हुआ कार्य बनेगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए यह जो गोचर होने जा रहा है वह आय भाव पर होने जा रहा है, तो यह गोचर आपके लिए लाभ की स्थिति बनाने जा रहे हैं। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति इस बीच में आपको देखने को मिलेगी और मित्रों से लाभ प्राप्ति के भी योग बनने जा रहे हैं। इस बीच में आपको सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। तो पिता का सहयोग भी भरपूर प्राप्त होगा और सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वह
विद्या भाव पर पढ़ने जा रही है, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। तो यह थे सूर्य के गोचर के 12 राशियों में परिणाम। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और मैं आगे भी इसी तरह से ग्रहों के गोचरों की जानकारी आपको देता रहूंगा। और जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।